आज के इस वीडियो का थंबनेल देखकर शायद किसी किसी के मन में ये आया होगा, क्या ये कोई मजाक चल रहा है। सिर्फ एक 20 पैसा जो आज की डेट में चलता नहीं है, कोई लेता नहीं है और उसका वैल्यू है 1,15,000 रुपये। तो दोस्तों, ना तो मैं कोई मजाक कर रहा हूँ और ना ही मैं मजाक के मूड में हूँ। पूरे डिटेल में मैं बताऊँगा आपको, बस क्या करना है, वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है। इसी के साथ ही साइड स्क्रीन में ये जो वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं, इस वीडियो का लिंक आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। कमाल का वीडियो है, आप एक बार जरूर देखिए, आपको एक नया जानकारी मिलेगा। ब्लू कलर में लिंक होगा, लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं, कहीं पर सर्च करने की और ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। इसके साथ ही मैं आपको कह देता हूँ, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, कहाँ पर बिका है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप बस साइड स्क्रीन पर थोड़ा सा फॉलो रखिए। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। रिपब्लिक इंडिया में अलग अलग समय में अलग अलग थीम पर अलग अलग मीन से अलग अलग ईयर में अलग अलग टाइप के 20 पैसे इशू किया गया था। जैसे मेरे हाथ में ये जो 20 पैसे का सिक्का आप देख रहे हैं, इसका थीम है देखिए सन और लोटस वाला। लेकिन साइड स्क्रीन में ये आप देखिए, ये है सिर्फ लोटस वाला। इसके अलावा दोस्तों, गांधी वाला 20 पैसे का सिक्का या फिर एल्यूमिनियम वाला, ऐसे 20 पैसे का सिक्का आप देखे होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में जिस 20 पैसे के बारे में या फिर 20 पैसे के बारे में हम बात करेंगे, उसे शायद आप नहीं देखे होंगे। अगर आप पहचानते हैं तो एक बार देखिए, ये रहा वो 20 पैसा जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और जिसका वैल्यू है 1,15,000 रुपये जो बिका है, वो प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, शायद आप सोच रहे होंगे ये कौन सा 20 पैसा है। देखिए, नए जनरेशन जो है उन्होंने तो ये 20 पैसे नहीं देखे होंगे, लेकिन जो थोड़ा सा पुराने जनरेशन के हैं वो जानते हैं कि 20 पैसे का एक सिक्का था और एक टाइम पे ऐसे 20 पैसे काफ़ी वैल्यूएबल था। और दुकान में अगर जाते हैं या फिर बाज़ार जाते थे तो ऐसे 20 पैसे से बहुत कुछ उस समय मिलता था। तो लेकिन ऐसे जो 20 पैसे हैं वो शायद आप नहीं देखे होंगे। तो ये जो 20 पैसे का सिक्का आप देख रहे हैं, इस सिक्के का मिंट ईयर है 1967। मेटल है ब्रास, वेट है 4.42 ग्राम और मिंट है बॉम्बे। इस सिक्के को बॉम्बे मिंट से इशू किया गया था, लेकिन इस सिक्के को सर्कुलेशन में जारी नहीं किया गया था। और ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है ट्रायल स्ट्राइक या फिर ट्रायल पैटर्न भी आप कह सकते हैं। अब दोस्तों, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इस सिक्के को देखिए कैसे बिका है, कहां पर बिका है, कितने में बिका है और बाकी जो अदर्स डिटेल्स है वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसका मेटल क्या है, वेट क्या है, कितने में बिका है, 1,00,000 से 1,15,000 देखिए एस्टिमेट वैल्यू रखा गया है। आप पहले इसे देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और इस सिक्के का जो डिज़ाइन है ओवर साइड और रिवर्स साइड का, इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जानकारी के लिए। ऐसे सिक्के आपको सर्कुलेशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ही मैंने बताया ये जो सिक्का है ये ट्रायल स्ट्राइक है या फिर ट्रायल पैटर्न है। अभी जो साइड स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो है, ये है बॉम्बे ऑक्शन का एक पूरा लिस्ट, जिसमें ये सिक्का भी, ये जो 20 पैसा एकदम ऊपर की तरफ आप देखिए बिका था, उसका एक लिस्ट है। और बॉम्बे ऑक्शन जो है वो है हमारे भारत के एक जानी मानी ऑक्शन हाउस, जहाँ पर सिक्के, नोट्स या फिर अदर्स जो चीज़ें हैं वो नीलाम किया जाता है या फिर ऑक्शन किया जाता है। तो वहीं पर ऐसे सिक्के 20 पैसे का ये सिक्का बिका था। दोस्तों, जानकारी बहुत छोटा सा है, मैं ये नहीं कहूँगा आप सर्कुलेशन में ढूंढिए आपको ये सिक्का मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले ही मैंने कहा 20 पैसे का ये सिक्का सर्कुलेशन में इशू नहीं किया गया था। फिर क्यों मैंने आपको बताया, क्योंकि दोस्तों आप जो न्यूमिस पे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सिक्के कलेक्ट करते हैं, सिक्के कलेक्ट करना पसंद करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे ही सिक्के आपको सर्कुलेशन में मिलेगा, उसी को आप कलेक्ट करेंगे, जानकारी नहीं रखेंगे। जानकारी रखना भी दोस्तों ज़रूरी है। तो ऐसे ही कुछ सिक्के के बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगा जो सर्कुलेशन में तो नहीं आया है लेकिन काफ़ी वैल्यूएबल है और हमारे भारत में
ट्रायल स्ट्राइक के रूप में या फिर ट्रायल पैटर्न के रूप में जारी किया गया था। सिक्का अगर आप सेल करना चाहते हैं तो लगभग हर वीडियो में मैं कहता हूं आप जो है फेसबुक में आप सेल कर सकते हैं। फेसबुक में ग्रुप होता है दो टाइप के, एक पब्लिक ग्रुप एक प्राइवेट ग्रुप। ग्रुप में एडमिन होता है, आप एडमिन से बात कीजिए, एडमिन को मैसेज कीजिए और बोलिए कि मैं आपके ग्रुप में सेल करना चाहता हूँ। कौन से ग्रुप को आप चूज़ करेंगे ये सबसे वाइटल है। देखिए जिस ग्रुप में, अब ध्यान से सुनिए, जिस ग्रुप में आपको YouTube वीडियो का लिंक या फिर किसी भी तरह के वीडियो आप देखेंगे उस ग्रुप को अवॉइड कीजिए। जिस ग्रुप में आप देखेंगे कॉइन का फोटो डाला हुआ है, उसमें बिडिंग चल रहा है, लोग प्राइस पूछ रहे हैं, PM बोल रहे हैं, PP पूछ रहे हैं, ऐसे ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप फेसबुक के सर्च बार में जाइए और वहाँ पर आप लिखिए ओल्ड कॉइन सेलिंग ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप का लिस्ट आ जाएगा। आप थोड़ा सा अपने तरफ से दिमाग लगाइए, सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ जो व्यूअर्स है वो पूछते हैं आप ग्रुप का नाम क्यों नहीं बताते हैं। दोस्तों मजबूरी है, ग्रुप मेरा नहीं है, ग्रुप किसी दूसरे का है, तो विदाउट परमिशन मैं ग्रुप का नाम नहीं बता सकता। तो ये आपके खुद को थोड़ा सा सर्च रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद आप सिक्के सेल कर सकते हैं। लेकिन वही बात फिर से मैं दोहराऊंगा, अगर आपके पास कॉमन सिक्के हैं जैसे माता वैष्णो देवी वाला सिक्का या फिर 5 रुपये जवाहरलाल नेहरू या फिर 5 रुपये इंदिरा गांधी वाला सिक्का या फिर 5 रुपये का ट्रैक्टर वाला नोट या फिर 2 रुपये का कोई नोट, ऐसे अगर है, अगर कोई खास उसमें नहीं है तो वो दोस्तों नहीं बिकेंगे। कलेक्टर्स उसी सिक्के में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिस सिक्के से उनको भविष्य में या फिर फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिले। इसीलिए कलेक्टर्स हमेशा स्केयर्स और रेयर सिक्के ही कलेक्ट करना पसंद करते हैं। इसीलिए आप अगर सेल करने जाएंगे तो आपके पास जो नोट्स है, जो सिक्के हैं, वो कितना वैल्यूएबल है, इसका जो जानकारी आपके पास होना चाहिए। अगर कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मेल कीजिए इस मेल आईडी पर contact@nimispage.in। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।